भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक अमृतसर से सिर्फ 2 घंटे के फासले पर फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया हुआ शहर है फिरोजपुर। सतलुज नदी के पास बसा ये ऐतिहासिक जिला शहीदों की धरती के नाम से भी मशहूर है। यहीं के दो भाई चंदन और अनमोल अपने बाप दादा की पुश्तैनी काम को नए सिरे से शुरू करने के इरादे से दिल्ली छोड़कर फिरोजपुर आ गए। तो आखिर गुरजीत जी ने हमें अपनी पुश्तैनी जमीन दे ही दी। हम पहुंचे उस जमीन का मुआयना करने लगभग 4:30 बजे। गुरजीत कौर जी, आपने पेमेंट के लिए 3 किस्तों की मोहलत देके बड़ा एहसान किया जी हम पर। एहसान कैसा जी, कोई गल नहीं। पुत्र, उस जमीन से दूर ही रहना। क्यों आंटी जी? उस तरफ की सारी जमीन दान की जा चुकी है। दान? हाँ, दूर रहना उस जमीन से। आजा छोटे। आया आया वीर जी। पांच एकड़ जमीन खरीदने पे 1 एकड़ तो फ्री बनता है बॉस, काहे का दान, इसे तो अपना ही समझो। जमीन नहीं थी तो शहर में जिंदगी कितनी अधूरी लग रही थी। पुत्र, तुम दोनों से बहुत खुश हो। तुम दोनों पे रब की लाख लाख मेहर हो। अरे मुझे नहीं, अपने देवन्नू की लाख। लाओ जी लाओ। अरे बस बस बा. खा ले। कल तो कल से वैसे भी खेतों में जाना है ना, तो ये डोले शोले सब खत्म हो जाएंगे। आज जम से खा। बस 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 हो गया। आप लोगे जी और? नहीं बस। छोटे, दिल्ली वाली पार्टी का फोन आया से। अच्छा, क्या कह रहे थे? बुलाया है पैसे देने के लिए। मैं चला जाऊं? नहीं, तू यहीं रुक, मैं जाकर के निपटा के आता हूँ। 4-5 दिन संभाल लेगा ना तू? अरे बेफिक्र हो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। तो यार मेरा हो गया। और सुन। हाँ जी। उस वाली जमीन में बिल्कुल हाथ मत लगाना, गुरजीत कौर जी ने मना किया है ना। अब उन्होंने मना किया तो कोई ना कोई कारण तो होगा ही यार। और वो तेरी क्या पॉलिसी है, 1 buy 1 get 1 free वाली, उसको इसमें लागू मत करना, समझ गया ना? क्या वीर जी आप भी। जमीन से दूर ही रहना। दूर रहना उस जमीन से। दूर रहना उस जमीन से। दूर रहना उस जमीन से। दूर रहना। ये मेरी जमीन है। मैं डेली खेत पर जाता था, सफाई का काम चल रहा था, मगर मेरी नजर बार बार खेत के उस टुकड़े पर जा रही थी। अगले दिन अनमोल वीरजी दिल्ली के लिए रवाना हुए और मैं सीधे खेत पर पहुंच गया। अरे ओए, ओ
एत्या। क्यों है मालिक? कितने लोग हैं हम? चार मैन। चार लोग। एक काम करो, यहाँ की सफाई सारी बंद करो। बाउंड्री तोड़ो और उधर की सफाई चालू करो। अरे खड़े खड़े देख क्या रहा है? एक्स्ट्रा रोकड़ा दूंगा, चल फटाफट चालू कर। साहब उत्थे कोई नहीं जाता। अरे मालिक ने भी कहा था। अरे मैं भी तो साहब हूं, जो कह रहा हूं वो कर। चल चल सबको ले, चलो चलो। अरे काम छोड़ के कहां भाग रहे हो? ओए अबे साले काम चोर कहीं के। पहले तो गर्मी और धूप की वजह से मुझे चक्कर आ गया, पर काफी टाइम बाद जब मेरी आंख खुली तब एक चौंकाने वाली चीज नजर आई।
वक्त जो भी हो रहा था मुझे डर नहीं लग रहा था। मुझे लगा ड्रिंक करने की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं घर चला गया। की गल बड़ा मुस्कुरा रहे लगता सवेरे सवेरे बहुत ही सोहना सपना वेख्या हाँ चल उठ खेत नहीं जाना की अच्छा सुन आज रात की ट्रेन से अनमोल जी वापिस आ रहे हैं। कह रहे सी कि चंदन को बोलना कल के लिए ट्रैक्टर आज ही एडवांस में बुक कर ले। अरे कर लूंगा भाभी चिंता मत करो। पुत्र जीता रहे। बोलो माँ। आज तेरे साथ खेत पर मैं भी चलूंगी। आज नहीं खेत पे बड़ा काम है माँ। कल ट्रैक्टर भी आ रहे हैं कल लेके चलता हूँ पूरा खेत घुमा दूंगा माँ। पकड़ो चल भाभी नाश्ता लगा दे। चंदन काम के लिए इतने जोश में नजर आए ये मेरे और माजी हम दोनों के लिए हैरानी की बात थी। पर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि चंदन हैरानी में नहीं परेशानी में पड़ने वाला है। कोई जेसीबी डंपर लेके कितने तू? चलो उत्थे ही रुक मैं पहुंच रहा हूं। सत श्री अकाल पाजी। अगले दिन अनमोल वीर जी जब दिल्ली में थे मैं सवेरे सवेरे निकल पड़ा। वो कहते हैं ना कि सुबह सुबह का देखा हुआ सपना अक्सर सच होता है। तो जब सुबह फिर मुझे वो पायल की छन छन सुनाई दी वही खूबसूरत गांव की छोरी का नजर आना मैं वक्त से पहले ही निकल पड़ा खेत की तरफ। लगा दे उधर। कहाँ चली गई साली? मैंने उसे बहुत ढूंढा पर इस बार वो मुझे नजर नहीं आई। मायूस तो था मैं लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। रात को जब मैं औजारों की मरम्मत कर रहा था मुझे उसकी पायल की छन छन सुनाई दी।
अरे सुन, कहाँ चले गए थे कल तुम लोग? नाम क्या है तेरा? अरे रहती कहाँ है तू? वो खेत के पीछे वाले गांव में? अच्छा, कौन कौन है तेरे घर में? लगता है तेरा कोई नहीं है। कोई गल नहीं, तू यहीं रह, समझ रही है ना तू? मैं तुझे अपने खेत संभालने का काम देता हूँ। चल मैं आता हूँ जरा नुक्कड़ से, कुछ खाने पीने का सामान लेके। यहीं रुकना, हम साथ में बैठ के खाएंगे। देखा तुमने? देखा तुमने? कोई भी नहीं है वहां। अपने आप गिराइए, मरते मरते बचा मैं। अभी तो साहब मरते मरते बच गए। जाइए, कहीं नुक्कड़ की दुकान बंद ना हो जाए। शाम होते ही यहाँ की हवाएं अपना रुख बदल लेती है। आए तू, खेत भी साफ कर दिए इतनी जल्दी? Thank you.
बचाओ बचाओ। पाजी 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 उठो पाजी पाजी। बहू बेटा लगता है वो आ गया। पैरी पोना बेबे। जी तारे पुत्र। क्या बात है इतनी रात को आप लोग बाहर बैठे हो और इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वो क्या है जी, चंदन अभी तक खेत से लौटा नहीं है। तो फोन कर लेती, पता लग जाता कहाँ है वो। बहू ने कई बार कोशिश की, उसका मोबाइल बंद आ रहा है। दिन में 2-3 बार मेरी उससे बात हुई है, पर रात को अचानक मेरे फोन में उसका मिस कॉल आया और जब मैंने फोन देखा और मैंने उसे कॉल किया, तब से लेके अब तक उसका फोन बंद है। अनमोल, चंदन के साथ खेत में कुछ, मेरा जीव बहुत घबरा रहा है। टेंशन ना लो, एक आपको तो पता है मुंडा थोड़ा बदमाश है। हाँ, एक काम कर, तू स्कूटर की चाबी ला और टॉर्च भी ले आना। जी। ये पकड़। मैं भी चलूं तेरे साथ? अरे नहीं माँ, कोई टेंशन नहीं है। मैं चला जी। अरे मैं कह रहा कोई लोड नहीं, बैठो आराम से। वहां पहुंच के फोन जरूर करिए पुत्र। जी बेबे। छोटे छोटे ए छोटे, क्या हो गया तुझे? किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया क्या तुझ पे? उठ उठ छोटे, उठ आराम से। आजा 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 बेटे आजा। घर चल। कित्थे गया छोटे? तू कित्थे छोटे? कित्थे मेरे पाए? छोटे ये क्यों हो गया?
छोटे की हो गया धनु भाई छोटे। ओ मेरे भाई कौन हो तुम, क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरे छोटे के संग? मैं कहता हूँ छोड़ दो उसे, छोड़ दो। ये मेरी जमीन है, इसने मेरी जमीन हड़पने की कोशिश की है और तू कहता है मैं इसे छोड़ दूँ? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे ये तो नदान है, इसके पास दिमाग नहीं है। वो तो आपकी जमीन हमारी जमीन के साथ जुड़ी हुई थी तो उसे बस थोड़ा सा लालच आ गया। मैं कहता हूँ मेरे भाई को छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं रब दी सौ खा कर कहता हूँ हम यहाँ कभी लौट के नहीं आएंगे। माफ कर दो, कर दो, माफ कर दो, कर दो। बचा लो, बचा लो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। वाहिगुरु, 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 छोड़ दो इसे, छोड़ दो जी। वाहिगुरु, वाहिगुरु, छोड़ दो जी। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, छोड़ छोड़ दीजिए, दिल बड़ा बड़ा की लख लख मेहर है हम पे कि उसने अनमोल वीर जी और मेरी माफ़ी कबूल कर ली। मैं सच में लालच में आ गया था उसकी और उस ज़मीन की। अस्पताल में मुझे उसके डर ने जकड़ रखा था। अक्सर मैं उसे अपने सपनों में महसूस करके झटके से उठ बैठता था। जब गुरजीत जी मुझसे मिलने आई तब हमें उसकी असली कहानी का पता चला। बेटे, तुम्हारी लालच ने उसे जगा दिया। उसे किसे? वो तो कह रही थी कि जमीन की मालकिन वही है। उसकी जमीन आपने हड़प ली और उसकी सजा मेरे तेवर और मेरे परिवार को भुगतनी पड़ी। ये मेरे दार जी के दौर की बात है। उसका नाम नीरू था, वो एक किसान की पत्नी थी। किसान को एक जानलेवा रोग लग गया। उसके इलाज में उसके घर, बर्तन, खेत सब बिक गए, फिर भी वो किसान न बच पाया। इससे दुख में निरूप पागल हो गई। वो पिंड में इधर उधर दीवानों की भांति फिरती रहती थी, अपने बीके हुए खेत में जाकर रोती रहती थी। उस खेत को मेरे दारजी ने खरीदा था। नीरू की हालत पर रहम खाकर उसी खेत में बने हुए एक झोपड़ी में उन्होंने उसका रहने का बंदोबस्त कर दिया। लेकिन अचानक एक दिन उसी जमीन पर नीरू को मुर्दा पाया गया।
किसी को पता ही नहीं चला कि वो कैसे मरी। खेत के साथ जुड़े हुए उसके जज्बात को समझते हुए दारजी ने उसी खेत पर उसका दाह संस्कार कर दिया और ये ऐलान कर दिया कि उतनी जमीन पर कोई भी अपनी फसल ना उगाए और ना ही फावड़ा चलाए। यही बात मैं उस रोज चंदन को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसकी लालच इसे इस नौबत तक ले आई। अब मैं उस जगह नीरू का एक स्मारक बनाकर गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करवाऊंगी ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। कुछ लोग मरकर भी मरते नहीं। कहा जाता है कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो मरने के बाद भी अपने शरीर से अटैच होती हैं। चंदन ने जाने अनजाने में कब्र खोद डाली थी जिसके कारण एक रूह एक साया उसके पीछे पड़ गया था। चुड़ैल जो है एक ऐसी प्रेतात्मा है, या तो जैसे कोई स्त्री बच्चे को जन्म दे रही हो, जन्म काल में उसकी मृत्यु हो जाए, अथवा उसकी कोई हत्या कर दे, या किसी विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत अपने को आग लगा ले। ऐसी स्थिति में जो स्त्री की आत्मा है वो प्रेत आत्मा चुड़ैल कहलाती है। चंदन के अंदर छिपे उस डर को बाहर निकालना अति आवश्यक था। इसके लिए हमने उसे ग्राउंडिंग, रूटिंग, सेंटरिंग, क्लेंजिंग जैसी कई प्रक्रियाएं सिखाई जिनके द्वारा वो उस डर से आजाद हो सके और सदा के लिए उस आत्मा से भी। लालच और खाली पड़ी चीजों पर अपना हक जताने की आदत भारी पड़ जाती है, लेकिन ये आदत चंदन के लिए इतनी खतरनाक और भयानक साबित हुई कि चंदन और उस जैसे दूसरे बंदों के लिए सबक बन गई।